बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर से होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बारक इसी तरह बहुत से मुस्कुराते रहें। तो उस नेक दुआ के साथ हम आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ सब्जी मंडी। तो वहाँ क्या कह रहे हमारे, हम शहर में रहते हुए हमें इतना तो फ़ायदा होना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सब्ज़ मंडी में बहुत सस्ती होती हैं, और यहाँ जो ये रेडी वाले लोग होते हैं ये बहुत जो है ना वो महंगी देते हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं मंडी में जा रहा हूँ, वहाँ जाके अपने लिए कुछ ना कुछ सब्ज़ी वगैरह खरीद के लेके आऊँ। शहर में रहते हुए ये तो डिस्काउंट होना चाहिए ना, ये तो फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चले चलते हैं, अब सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं और उमर जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी। और चले उमर। हाँ जी, मैं और उमर जड़े हैं ना, असी सब्ज़ी मंडी पहुँच गए हैं। हाँ उमर, ओ उमर इधर आते ना, मैं सेब दिखाऊँ। यह देख एक सेब है पे, कच्चे सेब इधर आ। ऐसे क्या हाल है? ठीक हो? और ठीक हो? और जबरदस्त फर्स्ट क्लास, जबरदस्त फर्स्ट क्लास। अल्लाह ताला का करम। ठीक हो? और की बनाई जा रहे हैं? ओ जी बस वेले बैठे मंडी का काम। अच्छा, मैं क्या जाके आलू ले आइए। आलू तो रास्ते मिल जाएंगे मंडी में। चल पहले आलू ना ले लिए। हाँ चलो आलू ले लिए। इतों से आलू लवेंगे। अच्छा, मुख्तलिफ जगह ते मुख्तलिफ आलूआं दा रेट आ, क्योंकि आलू किसी जगह तो जड़े है ना 270 रुपये तड़ी, किसी जगह तो 240 रुपये तड़ी, किसी जगह तो 300, मुख्तलिफ जड़ा ना रेट आ रहा। तो असी नवे आलू का होर रेट आ, पुराने आलू का होर रेट आ, असी सारा जड़ा ना फिर रहे हैं, देख रहे हैं कि जड़ा ना की सूरत हाल बनती पी है। ये पापा जी अब सब्ज़ मंडी में आए हैं यहाँ से। पापा जी अब सब्ज़ मंडी में आए हैं यहाँ से, अब आलू डाल रहे हैं गट्टों में, फिर पता नहीं क्या लेना है, फिर वो लेंगे। पापा जी सही सही उठा के ले रहे हैं, जो खराब है वो फेंकी जा रहे हैं। पापा जी ने आधा गट्टू डाल ली है। सारे आलू मुक गए हैं, खराब खराब है। ठीक है ना, हम बैठ के सी चाय पीने। असी जी चीज़ लैनी थी सब्ज़ी मंडी से ले ली है, हूँ मैं तो मर जा रहे हैं वापसी घर। तो इतों असी दुकान तो पैसे दे के असी जरा ना हूँ जाते पे हैं। तो इस वक्त जरा ना सूरत हाल मंडी जी है तकरीबन वाह टाइम हो गया, चाय शाय पीती सारा कुछ। तो हाँ जी बेटा, हाँ हाँ वो प्या लैने चकते हैं जी। छोटे बच्चे जड़े है ना वह बहुत खुश आ, अज नाल गली च लाइटिंग हो रही है, नाल मिलाद रख्या होया, तो इस वजह तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश आ। उमर भी खेल रहे हैं। उमर कहना पापा देख पकती पई है, ये हमारे हमसायों के घर मिलाद है, ये देखें बकरियाँ। ईद मिलाद मनोगी तो मौके पर जरा ना
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਤ ਕੋ ਇਨਕੇ ਘਰ ਮਿਲਾਦ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਆਏਂਗੇ ਇਨਕੋ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਬਸ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗਲੀਆਂ ਇਨ ਪੂਰੇ ਗਲੀਆਂ ਕੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਭੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆਜ ਦੇਖੋ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਹੈ ये गली और एक ये गली और एक इधर भी गली है उनका ही औलाद है उन्होंने झंडा लगाया हुआ है इसके ऊपर एक छोटी सी जमजी है ये देखें जी अब क्या डालने लगे हो अब क्या प्याज इसमें पानी डाल के रखा हुआ है चाची इसके प्याज के बाद अब क्या डालने लगे हो चाची अब टमाटर डालने लगे ये अब लाइटें चल पड़ी हैं इसमें कलर तो ब्लू और पिंक ही होगा अच्छा जी हूँ कर रहे हैं वे चावल पा रहे हैं चाचा देख पागी चाचा नमकीन दी है या मिठी दी चाचू देखो देख के ऊपर पानी डालते हैं अच्छा भी शाम के टाइम काफ़ी लोगों ने इस तरह घर सजाए हुए हैं कितनी प्यारी लाइटिंग अच्छा भी शाम का टाइम है अदन के पापा बाजार गए हुए थे ये क्या खरीदा है इसके ऊपर जो है ना वो पीटर रखना है सीख खा आ जाएगी लकड़ी को तो कोई लोहे के बनवा लेने थे नहीं नहीं ये लकड़ी के ही होते हैं इनके ऊपर मुझे नहीं पता क्या होता क्या नहीं मैं तो ये कह रही हूँ कि पक्का काम हो जाए सारी जिंदगी के लिए है, बस इसके ऊपर जो है ना वो रख देना है ये कितने के आए हैं अब ये 1000 के उस तो फिर इतने महंगे ये छोटी छोटी लकड़ी हैं जी 1000 मैं तो नहीं उठ सकती भाई सुन सुन के खर्चे अब जिस दिन आपने ये सारा मुझे बताया ना कितने में ट्यूबवेल लगा है ट्यूबवेल लगवाया इतना खर्चा आ गया उस दिन समझ लिया कि मैं ना चार भाई पे दो तीन दिन गुजारूंगी बस ये दुआ करें शाम का वक्त है दुआ ये करें कि अल्लाह खैर वफ़ियत से हमारा पानी जो है ना वो ये तो है इतना खर्चा किया ये तो मैं बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां मैंने तो नफल भी अदा किए थे हमने किया है अपने नफे के लिए किया है हमने अपने नहीं मैंने पैसे भी निकाले हैं तो मैंने नफल भी अदा किए मैंने मस्जिद के लिए भी कि अल्लाह मियाँ इतना खर्चा किया है तो अब अच्छे से पानी मतलब जिस दिन मार वो दरवाजा लगाएं जिस दिन पानी जो है वो मार दरवाजा लगाएं जिस दिन अच्छा जिस शाम का टाइम है बाकी बातें सुबह करेंगे मैं तो ना ये सिर्फ लाइटिंग देख रही थी माशाल्लाह कितनी प्यारे घर सजाए हुए लग रहे हैं ना लेकिन ना इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा रात का टाइम है ना रोशनी वैसे बहुत अच्छी लग रही है हाँ जी बताएं आप क्या ये कह रहा हूँ कि जिस दिन यानी ट्यूबवेल पानी चुकवाना है ना तो उस दिन हम यानी बदाना जो है ना वो तकसीम करेंगे बस चले ठीक है हम कौन सा उधर होंगे हम तो इधर ही होंगे घर में सही हाँ जी चलें ठीक है रखें नहीं उतार के